कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने वश में कर लेगी, सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी, साधक उसको न तो रोक सकेगा न कर सकेगा। बाहर आपको जिसको जैसे राधा सीता पार्वती अम्बा कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में बेसमेंट में जिसे सेक्रम कहते हैं, 3.5 आंटे लगा करके अपनी दुम को मुंह में दबाए हुए सोई हुई रहती है, अचेतन डोरमेंट पोजिशन में रहती है। हठयोग से जगाओ तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। महर्षि अरविंद ने कहा भी इस काम के लिए प्रॉपर गुरु की बड़ी आवश्यकता हो। तो आपको कुंडलिनी जागे नहीं जागे, मैं जो नाम जो बताऊंगा उसको जपोगे, राउंड दिख लो।